आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। रविवार 5 नवंबर 2023 को देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव की नगरी सिवनी पहुंचे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवनी पहुंचे, सिवनी उनका आगमन हुआ। इस पूरे आयोजन में एक बात विशेष तौर पर देखने को मिली कि महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा यहां देखने को मिली। जबलपुर संभाग महाकौशल प्रांत के 4 जिलों से यहां श्रोता पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे। मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, 4 जिलों से लोग पहुंचे और लगभग 50,000 श्रोता यहां पर पहुंचे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। काफ़ी दूर पार्किंग होने के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में उत्सुकता देखी गई। लोग उन्हें करीब से देखना चाहते थे। सुबह से ही तैयारियां आरंभ हो गई थी और सुबह से रविवार को 5 नवंबर को सुबह से आयोजन स्थल को समतल करने का काम भी लगातार जारी रहा। यहां आप देख सकते हैं रोलर भी खड़े हुए हैं और टिपर, हर तरह के यहां पर मशीनरी के जरिए सभा स्थल को समतल करने का प्रयास किया गया। मंडला रोड और कटंगी रोड के बीच का ये स्थान यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का कहना था कि बीझावाड़ा में मेडिकल कॉलेज के करीब एक स्टेडियम बनकर तैयार है। करोड़ों की लागत से बना स्टेडियम खेल के काम तो आ नहीं रहा है, कम से कम वहीं ये सभा करा ली जाती तो ये जो प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी मैदान को समतल करने के लिए, वो उससे बचा जा सकता था। मेडिकल कॉलेज के पास हेलीपैड भी बनाने के लिए उपयुक्त जगह थी। लोगों का कहना था कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पूर्व का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया। उनके द्वारा सिवनी के बारे में पैंच नेशनल पार्क और मोगली का नाम लिया गया और सबसे लोग इस बात को लेकर बड़े आश्चर्य में थे कि बार बार प्रधानमंत्री लखन कुंवर की नगरी लखनादौन का उल्लेख कर रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि दरअसल सिवनी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सिवनी और लखनादौन दो स्थानों में से कहीं एक जगह होना था और लखनादौन के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी संकेत दिए गए थे कि नरेंद्र मोदी की सभा लखनादौन में हो सकती है। नरेंद्र मोदी के भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार जो भाषण दिया गया उस भाषण में लगातार ही उनके द्वारा लखन कुंवर की नगरी लखनादौन के बारे में उनके द्वारा उल्लेख किया गया और जब उनका भाषण आखिरी में समाप्त हुआ तब उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत एक काम नरेंद्र मोदी का लोगों को करना है। लोगों ने कहा बिल्कुल कि उनका व्यक्तिगत काम करेंगे। उनके द्वारा ये कहा गया कि लखन कुंवर की नगरी लखनादौन में जाकर हर घर में ये बात कही जाए कि नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया है, प्रणाम भेजा है। फिर पीछे से किसी के द्वारा लखनादौन की बजाय सिवनी बताया गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसे सुधार कर सिवनी शहर सिवनी कहा गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। वैसे देखा जाए तो महाकौशल अंचल में राजा दलपत शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा दलपत शाह, ये सभी नाम बहुत ही सम्मान से लिए जाते हैं। राजा दलपत शाह के नाम पर सिवनी में एक दलसागर तालाब भी है और दलसागर तालाब में राजा दलपत शाह की लगभग 50 फीट ऊंची एक प्रतिमा, 40 से 50 फीट ऊंची एक प्रतिमा की स्थापना भी की जानी अभी प्रस्तावित है और इस प्रतिमा की स्थापना के लिए अप्रैल माह में दलसागर तालाब को खाली कराया गया और दलसागर तालाब को खाली कराने के उपरांत पूरी बारिश निकल गई और पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सिवनी में दलसागर तालाब अभी भी खाली है।
बारिश के बाद भी ये खाली और खेत के रूप में नजर आने लगा है दलसागर तालाब। एक बहुत अच्छा दृश्य वहाँ उत्पन्न नहीं होता है, ठेकेदार को भी काम करने के लिए बीच में एक रोप वे जैसा बनाया जा रहा है, पैदल पार पथ बनाया जा रहा है जिस पर चलकर लोग टापू तक पहुँचेंगे, पर उस काम को भी बहुत मंथर गति से कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद कांग्रेस शासित है, भारतीय जनता पार्टी के सिवनी में विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिवनी में सांसद हैं। इस सब के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली, और सुध नहीं ली लोग ये कहते भी मिले, लोग ये कहते भी पाए गए। सभा के उपरांत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहीं भी दलसागर तालाब या राजा दलपत शाह के नाम का उल्लेख नहीं किया, जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाएं किस तादाद में यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का क्रेज, नरेंद्र मोदी का जादू निश्चित तौर पर अभी भी बरकरार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। महिलाओं में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। महिलाएं किस तादाद में महाकौशल अंचल के 4 जिलों से यहां पहुंची हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी, ये देखिए एक पोस्टर लिए यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। लगातार ही नारेबाजी यहाँ पर जारी है, मोदी नरेंद्र मोदी के सम्मान में, नरेंद्र मोदी के आगमन पर। ये देखिए एक किसी के द्वारा एक नरेंद्र मोदी का एक पोर्ट्रेट बनाया गया, और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 30 सालों बाद भगवान शिव की नगरी में देश का कोई प्रधानमंत्री आया है। इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी सिवनी आई थी, उसके बाद सिवनी नरसिम्हा राव आए थे 1993 में, उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में एक सभा को संबोधित किया था। राजीव गांधी सिवनी आए थे प्रधानमंत्री रहते हुए, पर वे लखनादौन आए थे सिवनी में इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव के बाद तीसरे प्रधानमंत्री कोई आए हैं तो वे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए, और भगवान शिव की नगरी में इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं 30 सालों के बाद। अर्थात जो 1993 में वे आए थे, 1993 में जिस बालक का जन्म हुआ होगा वो बालक आज 30 बरस का होगा। इसलिए सिवनी के युवाओं को हम बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री 3 बार ही पहुंचे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, और अब नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, मंच पर वे पहुंचेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ किस कदर यहाँ पर दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस बात से आंकी जा सकती है। यहाँ पर आप देखिए जितनी भीड़ दिखाई दे रही है, उस श्रोताओं में महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवनी पहुंचे। प्रहलाद सिंह पटेल यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रहलाद सिंह पटेल के कार्यक्रम में प्रहलाद सिंह पटेल भी रहे, और महाकौशल अंचल के मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, बालाघाट के बाकी जो उम्मीदवार हैं वे सिवनी के उम्मीदवार और छिंदवाड़ा के उम्मीदवार यहाँ पर मंच पर दिखाई दिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। एमपी के मन में मोदी, ये भारत आपको सामने दिखाई दे रही होगी। एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारकों के मामले में कांग्रेस से आगे आती हुई दिख रही है। कांग्रेस की ओर से अब तक कोई भी प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का चेहरा सिवनी नहीं पहुंचा, ये नरेंद्र मोदी यहाँ मंच पर पहुंचते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रहलाद सिंह पटेल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ नहीं दिखाई दिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए अभिवादन करते हुए नरेंद्र मोदी
उन्हें इस बात का भान शायद हुआ कि दाईं और बाईं तरफ के लोग उन्हें नहीं देख पाएंगे, देख पा रहे होंगे, इसलिए वे आगे आए और आगे आकर उन्होंने एकदम किनारे में पहुंचकर अभिवादन किया श्रोताओं का, उपस्थित जनों का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहां हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के लिए पत्रकारों की व्यवस्था इतनी लचर व्यवस्था थी। पत्रकारों के अनुसार 4 नवंबर को सभा स्थल पर जाकर कवरेज भी नहीं कर पाए पत्रकार, क्योंकि बाहर ही उन्हें रोक दिया गया था। उसके उपरांत जब 5 नवंबर को नरेंद्र मोदी की सभा, प्रधानमंत्री की सभा के लिए पत्रकारों के प्रवेश पत्र की बात आई, 4 नवंबर की रात जब पत्रकार स्वयं ही जूझते नजर आए पास के लिए, तब 5 नवंबर को जिला जनसंपर्क कार्यालय से ये पासेस जारी हुए। देखा जाए तो ये व्यवस्था पहले 4 नवंबर को अपराह्न में ही की जा सकती थी, क्योंकि जनसंपर्क अधिकारी के पास वैध पत्रकारों की सूची होती है और वे वैध पत्रकार, जितने भी पत्रकार हैं, जो वैध पत्रकार हैं, उन पत्रकारों को वे पहले ही पास जारी कर सकते थे। तो सुबह अगर 8-9 बजे कोई व्यक्ति जनसंपर्क कार्यालय जाकर पास बनवाएगा, 10 बजे तक वहां से पास लेके आएगा, फिर उसके संपादक या ब्यूरो उसे कैसे असाइन कर पाएंगे कि उसे सभा स्थल पर जाना है। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था इसमें नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, आइए हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर है दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की। लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की। भाजपा को बार बार आशीर्वाद दिए, इस बार भी महाकौशल ने भाजपा की महाविजय तय कर दी है। ये नजारा और 12-1 बजे की धूप में भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन की गारंटी है भाजपा को जिताने की। गारंटी किसको कहते हैं ये यहां नजर आ रहा है। ये विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन की गारंटी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निकली हुई गारंटी है। सुना आपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके द्वारा क्या कहा गया सिवनी में। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क का उन्होंने उल्लेख किया, मोगली का उल्लेख किया, आदिवासी अंचल के आदिवासी भाइयों के बारे में उन्होंने बात कही और कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का कितना असर महाकौशल अंचल पर पड़ेगा, ये बात तो 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना के समय ही समझ में आएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।